आई एम निधि दोषी। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बॉटल लैम्प, जो कि आपको होम डेकोर के लिए काम आ सकता है। हम ऐसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की बॉटल लेंगे, कोई भी बॉटल चल सकती है, सोस बॉटल्स भी चल सकते हैं। इसके अलावा जो आपको मटेरियल्स चाहिए उसमें मैं एक ले रही हूँ स्पॉन्ज है, देन दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल कलर्स, येल्लो, लेमन येल्लो कलर्स है जो कि मैंने एक प्लेट में निकाल के रखा है। और एक मेन चीज़ है वो है स्टिकर पेपर, ये मेरे पास है स्टिकर पेपर, ओके, उसमें मैंने हार्ट कट किया हुआ है, सो सी लाइक दिस। और ये आप दो साइड्स दे सकते हैं, ये स्टिकर है और इसको हमें बॉटल पे चिपकाना है। अभी हम ये सब स्टिकर्स पेपर को बॉटल पे स्टिक करेंगे और उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज पेपर स्टिकर, आपको ये पेपर स्टिकर्स को ऐसे निकालना है और जो स्टिकी पार्ट है उसको बॉटल पे हम स्टिक करेंगे। आप कोई भी डायरेक्शन में उसको स्टिक कर सकते हैं, बड़े छोटे, मिक्स मैच, टेढ़े मेढ़े, स्ट्रेट, कोई भी हिसाब से आप उसको स्टिक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्टिक्स करते जाएंगे तो ध्यान ये रखना है, बहुत नज़दीक नज़दीक भी नहीं रखना है, बहुत दूर दूर भी नहीं रखना है। ये बॉटल पे हम लोगों ने पूरे स्टिकर्स स्टिक कर दिए हैं। नाउ स्पंज में कलर्स लेना है, स्पंज को थोड़ा सा आपको ऐसे डैप करना है ताकि इसमें एक टेक्सचर इफेक्ट आएगा। जब भी आप टैप करोगे, सी द टेक्सचर इफेक्ट। तो आपको स्टिकर्स के बहुत ऊपर नहीं जाने देना है, बट ये जो स्टिकर्स है उसके बाजू बाजू में अच्छे से लेना है, क्योंकि इसके बाद हम स्टिकर्स को निकाल देंगे। और ऐसे करते करते हमें पूरी बॉटल को येलो कलर कर देना। नाउ आपको ये स्टिकर पेपर जो है उनको निकालना है ताकि इसमें से एक हार्ड ट्रांसपेरेंट शेप हो जाएगा। आप इसको ऐसे धीरे से निकाल सकते हैं और सेकेंड टाइम आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेल्स नहीं है तो उसकी जगह आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस लेस है, फ्लावर्स है, आई हैव अ क्विलिंग फ्लावर्स एज वेल, तो आप उसको भी थोड़ा सा टॉप पे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको टाई कर रही हूँ। और मैं अभी इसके ऊपर एक फ्लावर स्टिक करूंगी। यू कैन यूज़ ग्लू गन एज वेल, आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं, फेविकॉल से भी कर सकते हैं। फेविकॉल में आपको थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ के रखना पड़ेगा फ्लावर को, और यहाँ पे जहाँ पे नोट है वहाँ पे मैं फ्लावर्स को स्टिक कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं कट कर रही हूँ।
अब हम इसके बाद जो सीरीज़ है हमारे पास, ऐसी हम सीरीज़ लेंगे ताकि ये लैम्प बन जाए, और ये सीरीज़ को हम बॉटल के अंदर डालेंगे लाइक दिस, और ये आपका बॉटल लैम्प रेडी हो रहा है। आप सीरीज़ पूरा अंदर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा आपको बाहर रखना है तो आप बाहर भी रख सकते हैं।